हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम और आज हम मेंटल एबिलिटी का एक चैप्टर जिसका नाम है डे आफ्टर टुमारो, जो कि क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 13 है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि टॉपिक मेंशन है डे आफ्टर टुमारो, मतलब इसमें हम डे के लिए बात करेंगे। ठीक है, डे दैट मीन्स रिलेटेड टू कैलेंडर। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम कैलेंडर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कैलेंडर क्या होता है, तो कैलेंडर एक ऐसा चार्ट कह सकते हैं जिसपे कि वीक या मंथ या फिर ईयर्स के डे और डेट मेंशन होता है या फिर डिस्प्ले होता है। तो कैलेंडर यही होता है। और कैलेंडर की हम बात करें डेली लाइफ में यूज की, तो हम जानते हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हम शेड्यूल करते हैं। अपना एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, किसी दिन पार्टी में हमें जाना है, कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो किस दिन लॉन्च करेंगे, तो जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे रिलेटेड किससे होते हैं, कैलेंडर से या फिर डे और डेट से रिलेटेड। तो उसी और से रिलेटेड एक चैप्टर है जो कि है डे आफ्टर टुमारो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जैसा कि हमने बताया कैलेंडर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कैलेंडर क्या होता है हमने समझा भी। और कैलेंडर की यदि हम बात करें तो जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं अपने डेली लाइफ में उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अब यहाँ कैलेंडर में जो हमें बेसिक सा कंसेप्ट डिस्कस करना है कि कैलेंडर जो है सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ होगा तो किस दिन स्टार्ट हुआ होगा कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर की यदि हम बात करें तो हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वो 1 जनवरी 0001 को स्टार्ट हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं आज एक कोई दिन है या फिर कल कोई दिन था, ईयर हम जानते हैं 2022 चल रहा है, ऐसे ही कैलेंडर स्टार्ट तो कहीं से हुआ होगा। तो वो दिन था जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 0001 को, और इस दिन जो डे था वो था मंडे। तो हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 0001 को और डे था उस दिन मंडे। और अभी जो ईयर चल रहा है वो 2022 चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट हमारा कैलेंडर 1 जनवरी 0001 से हुआ था और दिन था मंडे। ठीक है, चलिए अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं कैलेंडर में, तो हमने कैलेंडर में ये चीज़ सुनी है लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, लीप ईयर का कंसेप्ट उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ईयर है वो लीप ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है, दैट मीन्स वो लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम मेन डिस्कस करेंगे वो ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर से रिलेटेड कंसेप्ट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब डिस्कस करते हैं। जैसा कि यदि हम बात करें कैलेंडर ईयर की, तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो कैलेंडर ईयर होता है वो स्टार्ट कब से होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एंड कब होता है, तो एंड होता है 31 दिसंबर को। तो हमारा जो कैलेंडर ईयर होता है जिसे हम वन ईयर बोलते हैं वो स्टार्ट कब से होता है, 1 जनवरी, और एंड कब होता है, 31 दिसंबर को। ठीक है, तो ये जो 1 जनवरी है वो स्टार्टिंग डेट है, या स्टार्टिंग डे है, और ये जो है वो कौन सा है, एंडिंग डे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कोई भी ईयर हो उसका स्टार्टिंग डे 1 जनवरी होता है और एंडिंग डे जो है 31 दिसंबर होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी ईयर या फिर लीप ईयर। जैसा कि हम सुनते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं है, ये सबने सुना होगा, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि हम लीप ईयर कैसे पहचानेंगे और लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है कि हम उसको लीप ईयर कहते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। ठीक है, तो
ये इंट्रोडक्शन था कैलेंडर का। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के बारे में। तो देखिए, वन ईयर जो होता है, सबको पता है वन ईयर, इसमें या तो 365 डेज होते हैं या तो 366 डेज होते हैं। तो ये उसी बेसिस पे, ये 365 डेज और 366 डेज एक ही वर्ष में, एक ही ईयर में कभी 365 दिन होते हैं, कभी 366 दिन होते हैं। ये उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है जिससे कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो जब एक ईयर में 365 डेज होते हैं, ऐसे ईयर को हम नाम देते हैं ऑर्डिनरी ईयर, और जब एक ईयर में या वन ईयर में 366 डेज होते हैं तो ऐसे ईयर को हम नाम देते हैं लीप ईयर। ठीक है, अब यहाँ हमें दिख रहा है कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या है। तो लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में डिफरेंस जो है वो वन डे का डिफरेंस है। दैट मीन्स लीप ईयर में ऑर्डिनरी ईयर के कंपेयर में एक दिन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वो कौन सा दिन ऐसा है जो कि ऑर्डिनरी ईयर में नहीं होता है, लीप ईयर में ही होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। एक ही दिन लीप ईयर में ज़्यादा होता है, वो दिन कौन सा है? तो वो मंथ है फेब, और फेब जो है, फरवरी का महीना जो है, वो ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज का होता है। और हम जानते हैं कि यही फेब जो है, फेब का मंथ जो है, वो लीप ईयर में कितने दिन का हो जाता है? 29 डेज का हो जाता है। और यही फरवरी का जो एक दिन है वही एक्स्ट्रा होता है किसमें? लीप ईयर में। इसी वजह से लीप ईयर 366 दिन का होता है और ऑर्डिनरी ईयर 365 दिन का हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था कि ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर में डिफरेंस क्या होता है। अब बात आती है कि हमारे सामने यदि कोई एक पर्टिकुलर ईयर लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो हम अब वो कंसेप्ट देखेंगे कि कोई भी एक ईयर है उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। इसके पीछे जो कंसेप्ट है, तो हमारे सामने देखिए, जो भी ईयर लिखा होगा, जो भी ईयर लिखा होगा, ईयर जनरली उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो नॉन सेंचुरी ईयर और दूसरा सेंचुरी ईयर। इसका क्या मतलब है? ऐसा ईयर जिसके लास्ट में दो जीरो हों, या फिर ऐसा ईयर जो कि 00 से एंड होता है, जिसे हम शताब्दी वर्ष हिंदी में बोल सकते हैं, तो उसी के बिहाव पे हम इसके दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो नॉन सेंचुरी ईयर और एक सेंचुरी ईयर। इसका क्या मतलब है? सेंचुरी ईयर का इतना सा मतलब है कि जो भी ईयर होगा वो 00 से एंड होगा, मतलब लास्ट में उसके 20 तो होगा ही होगा, और इसका मतलब है कि उसके लास्ट में, उस पर्टिकुलर ईयर के लास्ट में 20 नहीं होगा, मतलब 00 से वो एंड नहीं हो रहा होगा ईयर। ठीक है, जैसे एग्जांपल की यदि बात करें तो 2001, 2005, 2018, इस तरह का जो ईयर होगा जिसके लास्ट में 20 नहीं होगा, एक जीरो चल सकता है 2010, ऐसे जो ईयर होंगे हम उनको नॉन सेंचुरी ईयर में की कैटेगरी में रखेंगे। सेंचुरी ईयर की कैटेगरी में यदि हम एग्जांपल की बात करें तो 2000 दिख रहा है, 00 से एंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है? 1800, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? 1900, ठीक है, 3000 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जो ईयर होंगे, मतलब तो जिनके लास्ट में 00 होगा उनको हम सेंचुरी ईयर बोलेंगे। जैसे 2000 पहले आया होगा, फिर 2001 आया होगा, धीरे धीरे एक एक साल बढ़ते बढ़ते आज 2022 है, वैसे ही कभी 2000 रहा होगा, वैसे ही कभी 1800 भी रहा होगा, 1900 भी रहा होगा। यहाँ इनके लास्ट में 20 है, इसलिए हम इनको सेंचुरी ईयर्स के कैटेगरी में रखेंगे। तो
तो इसी तरह के जो जिनके लास्ट में दो जीरो नहीं होगा उनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, जिनके लास्ट में दो जीरो होगा उनको हम सेंचुरी ईयर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ये तो हमने डिवाइड कर दिया जितने भी ईयर होते हैं उनको दो कैटेगरी में, लेकिन अभी भी हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो जो भी नॉन सेंचुरी ईयर होंगे मतलब जिनके लास्ट में दो जीरो नहीं होगा उनको हम डिवाइड करेंगे किससे, फोर से। किससे डिवाइड करके चेक करेंगे, फोर से। एक कंडीशन बन सकती है, चलिए इसमें देखते हैं, जो सेंचुरी ईयर होंगे यानी कि जो लास्ट में जिनके दो जीरो होगा उनको हम डिवाइड करके किससे चेक करेंगे, 400 से। 400 से मतलब यहाँ पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, नॉन सेंचुरी और सेंचुरी वाले। जो भी नॉन सेंचुरी ईयर होंगे उनको हम चार से डिवाइड करके चेक करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे। जो भी सेंचुरी ईयर होंगे उनको हम 400 से डिवाइड करेंगे, मतलब इनके लास्ट में 20 है तो 4 के बाद हमने 20 लगा दिया, मतलब 400 से चेक करेंगे डिवाइड करके। अब क्या होगा, या तो पूरी तरह से डिवाइड होगा या फिर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, या तो कंप्लीट डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। इसमें क्या है, चार से हमने डिवाइड किया, मान लेते हैं कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, कोई भी ईयर है चार से डिवाइड किया कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, हो सकता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ऐसे ही जब हमने 400 से इसको डिवाइड किया सेंचुरी ईयर को, तो हो सकता है वो डिवाइड नहीं होगा, और हो सकता है वो डिवाइड हो जाए, और हो सकता है वो डिवाइड नहीं हो, ये दो केस बन सकता है। अब इन दोनों केस में मतलब नॉन सेंचुरी ईयर यदि 4 से डिवाइड हो गया और सेंचुरी ईयर यदि 400 से डिवाइड हो गया, तो मतलब कि यदि ये डिवाइड हो गए तो ये दोनों जो ईयर होंगे, ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड होगा नॉन सेंचुरी वाला और ऐसा ईयर जो 400 से डिवाइड होगा सेंचुरी ईयर वाला, ये जो ईयर होंगे इनको हम लीप ईयर बोलेंगे। अभी एग्जांपल समझेंगे, जो डिवाइड इसमें नहीं हुआ उसको हम ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे, ऑर्डिनरी ईयर, और जो यहाँ डिवाइड नहीं हुआ इसको भी हम क्या बोलेंगे, तो ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने अभी बात जो की है वो कैसे हम वेरीफाई करेंगे। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर है। चलिए हमने 2001 को ही ले लिया, 2001 ईयर है, इसको हम चेक करते हैं कि ये ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर है। इसका मतलब यदि लीप ईयर है तो उसमें 366 दिन रहा होगा और उसमें फरवरी 29 दिन की आई होगी। यदि ऑर्डिनरी ईयर आता है इसका मतलब 365 दिन का वो वर्ष होगा और उसमें फरवरी 28 डेज की रही होगी। अब इसको चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम ईयर को देखते ही ये चेक करेंगे कि ये 00 से एंड होने वाला है या फिर जो दूसरा कैटेगरी है उसका है। हमें दिख रहा है यहाँ 00 तो लास्ट में नहीं है, तो हमें किससे डिवाइड करना है इसको, इसको हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके। अब 4 से देखिए, 4, 5, 20, 001 यानी 1 इसमें रिमाइंडर बचेगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहा। जब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा 4 से तो कौन सा ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो यहाँ से ये 2001 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। इसका मतलब इसमें कितने दिन होंगे, 365 डेज होंगे। इसका मतलब इसमें फरवरी जो होगी वो कितने दिन की होगी, 28 डेज की रही होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2004, इसको यदि चेक करना है कि एक लीप ईयर है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट में इसके दो जीरो नहीं है, इसका मतलब इस कैटेगरी का तो ये नहीं है, हमें किससे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, 4 से। तो हमने 4 से इसको डिवाइड करने की कोशिश की, तो हमें दिख रहा है कि 4, 5 जा 20 और 0, 4, 1 जा 4, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है 2004। जब पूरी तरह से डिवाइड हो गया 4 से तो वो कौन सा ईयर बनेगा, लीप ईयर बनेगा। तो यहाँ पे जो 2004 है वो कैसा ईयर है, तो वो है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब ये 366 दिन का होगा, 366 डेज का होगा, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईयर में जो फरवरी का मंथ होगा वो उसमें 29 डेज रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो रहा कि हम नॉन सेंचुरी ईयर को हम ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सेंचुरी ईयर होगा तब हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो हम चार के जगह किससे डिवाइड करेंगे, 400
100 से डिवाइड करेंगे और यदि डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, डिवाइड नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल और देख लेते हैं दो तीन। जैसे 2000 को हमें चेक करना है कि ये लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। हमें पता है लास्ट में 20 है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे 400 से। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, 4 से ये 5 बार में कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2000 ये है, ये कैसा ईयर है, तो ये डिवाइड हो गया पूरी तरह से, तो ये लीप ईयर है। और लीप ईयर का मतलब 366 डे, यानी कि 366 डेज। और यहाँ पे जो फेब होगी, यानी कि फरवरी जो होगा, वो कितने दिन का होगा, 29 डेज का होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1800 या 1900 ले लीजिए, 1900 ये भी दिख रहा है कि इसके लास्ट में कितने जीरो हैं, 2। अब 20 हैं, सेंचुरी ईयर है, तो इसको 4 से डिवाइड नहीं करना है। किससे, कितने से करना है, 400 से। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। जीरो से जीरो हम कैंसिल कर देंगे डिवाइड करने के बाद। 4 से 19, ये तो पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। 19 जो है वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहा है 400 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1900 ईयर है, ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। कैसा ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर है तो 365 डेज होंगे। और यहाँ पे जो फेब का मंथ होगा वो 28 डेज का होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। तो ये ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का कंसेप्ट था। दोनों में डिफरेंस हम समझे कि एक दिन का होता है, वो डिफरेंस कौन सा डे है, फरवरी का एक दिन। ऑर्डिनरी में फरवरी 28 डेज और लीप ईयर में फरवरी 29 डेज। चेक करने का तरीका दो कैटेगरी में हमने बांटा। नॉन सेंचुरी ईयर, मतलब जिसके लास्ट में 20 नहीं हो, 4 से डिवाइड करेंगे, यदि डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, डिवाइड नहीं हुआ तो नॉन लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। यदि सेंचुरी ईयर है, यानी लास्ट में 20 हैं, तो उसे हम चेक करेंगे 400 से, यदि डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, डिवाइड नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी ईयर। और यदि लीप ईयर है 366 डेज और फरवरी 29, और लीप ईयर नहीं है यानी ऑर्डिनरी ईयर है, तो 365 डेज और फरवरी 28 डेज की होगी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझने की कि ऑर्डिनरी और लीप ईयर तो हमने समझ लिया, और ये भी समझा कि कोई भी ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को एंड होगा। अब डेज की हम बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा और 31 दिसंबर को एंड हुआ होगा। मान लेते हैं कि यदि 1 जनवरी को मंडे रहा होगा, लेट कर लिया कि 1 जनवरी को मंडे रहा होगा, ऑर्डिनरी ईयर कोई भी है, कोई भी ऑर्डिनरी ईयर है, जैसे 2001 ही ले लें। मान लेते हैं 1 जनवरी को दिन यदि मंडे रहा होगा, तो इसमें जो इसका लास्ट डे है, मतलब इस ईयर का लास्ट डे है, वो भी वही रहा होगा जो इसका फर्स्ट डे रहा होगा। मतलब यदि 1 जनवरी को मंडे रहा होगा, तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा, मंडे ही होगा। मतलब सेम डे होंगे, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा, कब, जब ईयर ऑर्डिनरी ईयर होगा। यदि लीप ईयर होगा, यदि लीप ईयर होगा, कोई भी लीप ईयर ले लें, जैसे 2000 ही ले लें, ये एक लीप ईयर है, अभी अभी हमने चेक किया था। अब यहाँ पे 1 जनवरी से तो स्टार्ट होगा, 31 को दिसंबर को एंड होगा कोई भी ईयर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। और यदि मान लेते हैं कि 1 जनवरी को मंडे रहा होगा, तो यहाँ पे 31 दिसंबर को मंडे नहीं होगा, एक दिन आगे का होगा। क्यों, क्योंकि लीप ईयर में ऑर्डिनरी ईयर से एक दिन ज़्यादा होगा, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे यदि फर्स्ट और लास्ट डे सेम हो रहा है, तो यहाँ पे एक दिन ज़्यादा ही होगा। मतलब यदि फर्स्ट डे मंडे था, तो यहाँ लास्ट डे पे क्या होगा, एक दिन बाद का होगा, ट्यूजडे होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी और लीप ईयर से रिलेटेड एक कंसेप्ट ये था कि ऑर्डिनरी ईयर में ईयर का पहला दिन और ईयर का आखिरी दिन सेम होगा, लीप ईयर में वर्ष का पहला दिन और उसका आखिरी दिन जो है एक दिन आगे होगा, आखिरी दिन उसके पहले दिन से। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का ये कंसेप्ट था। हम कैसे चेक करेंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा
चेक करिए कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर ईयर है जो कि लीप ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है, या फिर ये पूछा जाएगा कि इसमें से यदि लीप ईयर कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर है लीप ईयर तो उसमें बताइए फरवरी कितने दिन की होती है, या फिर कोई भी एक ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें फेब कितने दिन का होता है, या फिर पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं या टोटल नंबर ऑफ़ डेज इन ऑर्डिनरी ईयर कितने होते हैं। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट था और इस पर दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस इतना ही हमें जानना है इसमें, ठीक है। बाकी जो है हम वो अपने आगे की क्लास में और ज़्यादा पढ़ेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ईयर है, कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर है वो स्टार्ट होता है जनवरी के मंथ से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। और जैसा कि सबको पता होगा कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, ये तो सबको पता ही होगा पहले से ही कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ जनवरी में, तो यदि मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं और यहाँ पे मैं लीप ईयर की बात करूं, जनवरी सबको पता है 31, फरवरी में अभी भी बात किया कि यदि ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 डेज, मार्च सबको पता है 31 का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, सब कुछ सेम होता है। डिफरेंस कहाँ आता है, फरवरी में लीप ईयर में 29 हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज होता है जैसा कि ऑर्डिनरी ईयर में होता है, ठीक है। और एक और कंसेप्ट है कि ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी से लेकर के जून तक नंबर ऑफ डेज यदि काउंट करें तो 181 डेज होता है, और जुलाई से लेकर यदि दिसंबर तक काउंट करें तो 184 डेज होता है। सिमिलरली यदि मैं लीप ईयर में देखूँ तो जनवरी से लेकर के जून तक जो है एक दिन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 181 है तो 182 डेज होता है, इसको हम याद भी रख सकते हैं। और इधर तो कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा ऑर्डिनरी ईयर में है वैसा ही लीप ईयर में होगा, 184 डेज, ठीक है। तो ये था, बस डिफरेंस यहीं आके दिखता है हमें, ठीक है। और इसमें जो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट बस इतना ही था, क्वेश्चन एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर ये यहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि थर्ड डे आफ्टर मंडे कौन सा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर सबको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। इफ टुडे इज वेंसडे देन द डे आफ्टर फोर डेज कौन सा होगा। एक और क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ 1 अक्टूबर इज मंडे देन द नेक्स्ट मंडे विल बी ऑन कब होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल कि थर्ड डे आफ्टर मंडे, मंडे के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। तो मंडे में तीन सिंपल काउंट कर सकते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसको तो सिंपल हम देख भी सकते हैं। यहाँ पूछा है इफ़ टूडे इज वेडनेसडे, यदि आज जो है वो वेंसडे है
तो बताइए 4 दिन बाद क्या होगा? जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ कर लेंगे। वेंसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बुधवार, गुरुवार, ठीक है, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो क्या आ जाएगा? संडे। यहाँ क्या है? इफ़ 1 अक्टूबर को मंडे है तो अगला मंडे कब आएगा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? वीक। वीक जैसा कि हम जानते हैं, वीक सबको पता है, वीक जो है स्टार्ट कहाँ से होता है? मंडे से, और एंड कहाँ होता है? संडे को। और टोटल जो डेज होते हैं कितने होते हैं? 7, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हमें पता है कि मंडे से स्टार्ट हुआ, संडे को ख़त्म हुआ, यानी 1 से स्टार्ट हुआ, 7 को ख़त्म हुआ, यानी कि 7 नंबर पे, फिर जो 8वां दिन आएगा वो क्या होगा? मंडे ही होगा। मतलब यदि मंडे को मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो संडे 7वें नंबर पे आया है, और अगला फिर मंडे कितने दिन बाद आ रहा है? 8वें नंबर पे आ रहा है, यानी कि 1 में 7 यदि मैं प्लस कर दूँ तो अगला दिन जो आएगा वो सेम होगा। यदि यहाँ मंडे है तो ये भी क्या होगा? मंडे होगा। तो वीक जो है 7 दिन का होता है, हर 7 दिन के बाद वो डे जो है वो रिपीट होता है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे, यदि 1 अक्टूबर को मंडे है तो अगला मंडे कब आएगा? इसमें +7 करेंगे, यानी कि 8 अक्टूबर को आएगा। 8 अक्टूबर को भी क्या होगा? मंडे। फिर अगला मंडे कब आएगा? फिर 7 इसमें ऐड करेंगे, तो 8 में 7 ऐड किया तो 15, यानी कि 15 अक्टूबर को फिर मंडे आएगा। ऐसे ही 7 प्लस प्लस करते जाएंगे तो जो दिन आएगा उस दिन, सॉरी, जो डेट आएगा उस दिन वो मंडे ही होगा। तो हर 7 दिन के बाद वो डे रिपीट होगा, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक, चलिए एक और इसमें क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इफ़ द 3rd day ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, तो क्वेश्चन है व्हाट डे विल बी ऑन द 4th day आफ्टर द 21st day ऑफ द मंथ। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि क्वेश्चन को हम पढ़ें तो कह रहा है कि इफ़ 3rd day ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, कोई मंथ है उसका जो 3rd day है, 3rd day वो क्या है? फ्राइडे है, ये गिवन है। फिर पूछ रहा है कि व्हाट डे विल बी ऑन 4th day, चौथे दिन कब? चौथा दिन 4th day आफ्टर 21st day। तो इसी मंथ का जो 21st day होगा, 21st day होगा इसके 4 दिन बाद, ये लिखा है 4th day आफ्टर 21st day ऑफ द मंथ। मतलब उसी मंथ का जो 21st day है उसके 4 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? 21st में 4 ऐड करेंगे तो 25th, तो 25th day जो है वो कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। मतलब ये गिवेन है कि तीसरा दिन जो है उस मंथ का वो फ्राइडे है, तो बताइए 21वें दिन के 4 दिन बाद यानी 25वें दिन उसी मंथ का कौन सा डे आएगा? तो जैसा कि हम अभी देखे कि हर 7 दिन के बाद वो डे रिपीट करता है, यानी कि यदि 3rd day को फ्राइडे है तो यदि मैं इसमें +7 करूँ तो कौन सा दिन आएगा? 10th day आएगा, तो इसमें क्या पड़ेगा? फ्राइडे ही पड़ेगा, अभी देखा था हमने। फिर इसमें +7 करूँ तो 70th day आएगा, इस दिन भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। फिर यदि मैं इसमें 7 ऐड करूं तो 17 में 7 ऐड किया तो 24th day आएगा, और 24th day को भी क्या होगा? जो कि 3rd day को था, यानी कि फ्राइडे ही होगा। और यहाँ पूछा क्या है? 25th day, तो इसके बाद वाला ही कौन सा होगा? 25th day होगा। और यदि 24th day को फ्राइडे है तो 25th day को क्या होगा? सैटरडे होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें ऐसे ही आंसर देना है। ठीक है, चलिए एक और इसमें कंसेप्ट है जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब ऑड डे का कंसेप्ट है। ऑड डे कुछ नहीं होता है, बस ऑड डे का जो कंसेप्ट है ना, ऑड डे,
वो हम नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे। ऑड डे, ऑड डे का जो कंसेप्ट है, ऑड डे एक ऐसा टर्म है, इसमें क्या बताया जाता है कि नंबर्स ऑफ डे आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ डेज गिवन है, उसमें हम सात सात दिन का ग्रुप बनाएंगे, सात सात दिन का बंच बनाएंगे, ठीक है। तो सेवन सेवन डेज यानी एक एक वीक का हम ग्रुप बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा डे बचता है जिससे कि वीक नहीं बन पाता है, वही नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। जैसे यदि एग्जांपल की बात करूं, गिवन है 24 डेज, बताइए इसमें ऑड डे जो हैं कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, 24 को किससे डिवाइड करेंगे, कितने कितने का ग्रुप बनाना है, सात सात का, क्योंकि एक वीक में सात ही दिन होते हैं, तो हम इसको सात से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा 7 3 21, और रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से 24 है तो 3, तो रिमाइंडर बचा 3, और यही जो है वो नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। तो यदि क्वेश्चन गिवन है कि बताइए नंबर ऑफ ऑड डेज इन 24 डे कितने होंगे, तो 24 दिन में कितने ऑड डे होंगे, सात से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आया वही नंबर ऑफ ऑड डे होगा। ऐसे ही यदि पूछ दिया कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर में हमको पता है कि 365 दिन होते हैं, और 365 डेज को हम किससे डिवाइड करके चेक करेंगे, 7 से, 7 से यदि मैं डिवाइड करूँ तो 75 जा 35 बचा 1, 15, 72 जा 14, तो 7 से डिवाइड किया इतने तो वीक्स हो गए, बचा यहाँ पे कितना, एक दिन एक्स्ट्रा बचा 1 डे, और यही जो है वीक नहीं बन रहा है, तो नंबर ऑफ ऑड डे इन ऑर्डिनरी ईयर कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑड डे 1। ऐसे ही यदि लीप ईयर की बात करें तो 366 डेज होते हैं, हमें पता है 7 से डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पे 52 वीक यानी 52 बार में तो कंप्लीट डिवाइड होगा ये, प्लस में रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा 2 डेज, जैसे यहाँ 1 डेज बचा था यहाँ 2 डेज बचेगा। तो ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे 1 होता है और लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे 2 होता है। तो ये ऑड डे का कंसेप्ट था जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ कैसे पूछा जाता है वो पढ़ेंगे। तो बस इसमें इतना ही था, तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।